यूट्यूब फैमिली। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो पे आते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही हैं, दो तीन क्लचेज हैं मज़दार वाले, जो मैं रिकॉर्ड करके फिर आपको समझाया कि मैं क्या किया क्या नहीं किया, डिफरेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसे पूरा देखना, एंड तक देखना, मज़दार क्लच है, आप इंजॉय करोगे मुझे पता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ मैं M4 ढूंढते रहता हूँ क्रेट से। मेरे बंदे ने कॉल दिया कि इधर ब्रोकन वॉल पे होगा, आप देखो। तब भी पीछे से एक स्क्वाड आती है और मेरे पे फायर्स आते हैं। अभी आप देखो, यहाँ पे मेरे पास कवर्स के बहुत ऑप्शन है, तो सबसे पहले मैं कवर में जाने का सोचा। फिर मेरे पास, मैं जाते जाते ये देखता गया कि बंदे कितने हैं, कहाँ हैं। मैं अपने बंदे को बोला कि दो बंदे हैं और वो मैं पुश कर रहे हैं, और वो बंदे अंधाधुंध पुश कर रहे हैं। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप नेड कर दो नीचे, क्योंकि देखो जो वो ओपन में है, हम लोग कवर में, तो वो जाहिर सी बात है वो मेरे को डैमेज भी हल्का दे चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पुश करेंगे ही करेंगे। तो मैंने दो नेड किया नीचे, जिसके कारण वो ऊपर नहीं आए, नहीं तो वो ऊपर आ जाते। ये तीसरा नेड जो था वो लक्की मानो या सोचा समझा मानो, जो उसे फूटा। और ये जो फूटा, जो सेकंड ही नेमी था इसके साथ वाला, उसको साउंड नहीं आ रहा होगा कि बंदा किधर से घुसा। उसको फुट स्टेप आ रहे होंगे मैप में, बट साउंड नहीं आ रहा होगा, इसी कारण हमारा बंदा भी उसको नॉक कर दिया। यहाँ तीन बंदे आए हुए थे, एक बंदा देखा कि अचानक दो बंदे नॉक हो गए, तो वो फॉल बैक किया, वो पीछे जाके वहाँ टीपी पी लिया। यहाँ मेरे पास ऑप्शन था कि मैं पिक करके मारूं, क्योंकि मैं रिवाइव हो जाता अगर मैं नॉक होता, इसलिए मैंने ये किया, नहीं तो वो गलत चीज़ था। टिप नंबर टू, यहाँ पे मतलब सरप्राइज नेड होता है हम पे, मतलब मेरा बंदा जैसे अंदर आता है उस पर नेड होता है, अचानक आया फुटा। यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास मॉली है तो आप गेट पे मॉली करो, नहीं है तो स्मोक जरूर करना ब्रो, स्मोक जरूर। उससे क्या होता है कि व्यू ब्लॉक होता है, और वो ब्लॉक कैसे होता है ये देखो तुम। पहला बंदा आएगा मैं उसको गिराऊंगा, सेकेंड बंदा का ब्लॉक देखना, मतलब व्यू देखना, पूरा ब्लॉक होता है देखना तुम। पहला बंदा आएगा उसको मैं गिरा दूंगा, उसके हेड पे सीधा आइडिया, मतलब सारे बुलेट्स उसके हेड पे लगे, वो तुरंत नॉक हो गया। ये दूसरा बंदा वेक्टर लेके आता है, मेरे को आराम से ये मार देता अगर इसका व्यू ब्लॉक नहीं होता। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्मोक करो, उसमें नेड मार दो, ताकि ये सेकंड बंदा आता तब तक तो वो फुट जाता, उससे डैमेज भी होता। तो थ्रोएबल्स का यूज़ करो, और इसके आगे कुछ खास क्लच नहीं है, मेन बिल्डिंग में ही था ऐसे ही मरा नॉर्मल, तो वो स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिप नंबर थ्री, यहाँ 2v4 सिचुएशन है, बट यहाँ 1v2 हो जाता है, क्योंकि ये बंदा जोन से जाता है और एक बंदा को मेरे बंदे ने नॉक कर रखा होता है। और यहाँ पे मैं अपना बंदा खो दूंगा, क्योंकि मैं उसे कवर नहीं दे पाऊंगा, मुझे पता नहीं होता और वो तब तक उसे नॉक फिनिश कर देगा। यहाँ पे देखना, मैं नीड करूँगा, और नीड के कारण क्या होगा, मेरे पे पुश दो बंदे नहीं आएंगे। ये देखो, यहाँ पे वो बंदा जो सेकंड वाला होता है वो डैमेज हो रखा होता है, और ये बंदा मेरे पे पुश करता है MK14 लेके। तो इस बंदे को कैसे मारूंगा, और फिर वो जो बंदा हील मार के आएगा वो कैसे मारूंगा, देखो। इसके लिए तो लाइक बनता है ना ब्रो। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास कवर का एडवांटेज था, ये ओपन से बंदा आया, इसके पास MK का एडवांटेज है। तो मैं क्या सोचा कि मैं कवर में जाऊँगा इसको डैमेज दूंगा, कवर में जाऊँगा इसको डैमेज दूंगा, वही चीज़ मैंने किया और इससे फाइट जीती। अदरवाइज MK का पावर आप भी जानते हो क्या चीज़ है वो। और हाँ, सेकेंड बंदा इसके साथ पुश करता, बट क्या है कि वो नेड से डैमेज हुआ, जिसके कारण वो हेल्थ लेने के लिए उधर रुका हुआ था, अदरवाइज मैं गया हुआ था। सो नेड ओपी। टिप नंबर फोर, हमें यहाँ कुछ नहीं पता होता कि हमारी डुओ फाइट है या डुओ वी थ्री है, कुछ नहीं। तो ऊपर से फायर आता है मेरे बंदे पे, तो मैं कवर देने के लिए बस एडियस खोलता हूँ, तब भी मेरे पे भी शॉट्स आते हैं। तो मैं तुरंत कवर में गया, मुझे लगा मैं अपना बंदा खो दिया, बट नहीं, अभी तक वो डेड नहीं हुआ। तो उसके लिए मैंने स्मोक हॉल बनाया कि वो अंदर आए, फिर वो मैं उसे रिवाइव दे पाऊँ। तुरंत देखो बैकअप में कितना प्यारा स्मोक हुआ, वो बंदा अब लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, उसको कुछ व्यू नहीं मिलने वाला है। कुछ बंदे क्या करते हैं कि पत्थर देखा, पत्थर पे स्मोक फेंका, स्मोक गया पीछे, तो वो कोई काम नहीं है भाई उस स्मोक का। यहाँ देखो मेरा बंदा पूरी तरह से सेफ था यहाँ पे,
यहाँ पे एक छोटी सी थर्ड पार्टी होगी, मतलब हम लोग बूस्टर्स लेते रहते हैं, हमें मुझे जाना ही पड़ा क्योंकि मेरा एक बंदा अभी हील नहीं लिया है और अंदर अगर नेड या मॉली आएगा तो हम दोनों मरेंगे, तो इससे अच्छा है एक को रिक्स लेना पड़ेगा, और वो रिक्स मुझे ही लेना था क्योंकि वो हील नहीं थे, ये अच्छा बंदा नहीं था, कुछ भी बोलो सब अपने लेवल पे होते हैं भाई, तो मैंने इसे मारा। और हाँ, यहाँ जो मैं डी पी एस प्रे मारूँगा ना, लाइक अगर वापस लिए ना प्रो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कोई नहीं होगा बता रहा हूँ। अब हमें सोचना था कि वो बंदों पे पुश भी करना है और हमें जोन भी जाना है, क्योंकि जोन हमें जाना है इसलिए हमें पुश भी करना है, राइट। तो अब हम लोग लेफ्ट से नहीं जा सकते क्योंकि वो रीच पे ऊपर लेटा हुआ है, राइट पे चांसेस हैं, एडवांटेज है क्योंकि ब्रिज है, ब्रिज हमें कवर देगा और पानी जो है उसके अंदर से हम लोग जा भी सकते हैं, और हमारा बंदा भी एक नॉक किया था जिसके कारण वो भी एक रिवाइव हो रहा होगा, हील ले रहा होगा, तो अभी चांसेस अच्छे थे हमारे जाने के, तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़े। और ये ब्रिज के नीचे से हम नहीं जाएंगे क्योंकि अगर ऊपर से फायर आया ना तो वो उन्हें तो हम मेरा आधा बॉडी दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा बट आधा बॉडी दिखेगा, और उसमें डैमेज या नॉक फिनिश जो भी हो वो कर सकते हैं, बट हमें यहाँ से अब अपने रिफ्लेक्स पे जाना ही पड़ेगा भरोसा करके, कुछ भी कर लो क्योंकि जोन है उन पे वो बैठे पड़े हैं, वो क्या करें अब उनको वो आएंगे तो नहीं, अच्छे प्लेयर है नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है तुम भी रहोगे तुम भी नहीं जाओगे जोन के बाहर फाइट लेने। तो यहाँ पे मेरे बंदे पे एक वेस्ट नहीं होती है जिसके कारण फ्रंट लीड मैं करता हूँ, यहाँ पे वो पीछे से बैकअप में एक को नॉक डालेगा तब मैं आगे जाऊँगा, नहीं तो मैं नोटिस करता हूँ कि मैं जोन में तो आ गया हूँ, अब मैं सेफ हूँ यहाँ पे, अब देखता हूँ बंदे हैं कहाँ। यहाँ पे देखना ये लेट गया, ऊपर का मुझे पता नहीं था, तो डी पी स्प्रे आता है, अभी डी पी स्प्रे आता है तो मैं गया इधर, मेरे डी पी में 4x लगाया, मैं उसे सोचा था हल्का डैमेज दूंगा फिर जाऊँगा, देखो हल्का डैमेज होगा, वो राइट टर्न लेगा तब मैं उस पे से ADS हटा के ये क्लोज वाले को मारूंगा, बट मेरा MS हाई होता है जिसके कारण वो नॉक हो जाता है, उस समय वो नहीं हुआ था बट एटलीस्ट लास्ट में वो हो गया। यहाँ टिप नंबर 5, ये फाइट बहुत प्यारी फाइट है, मतलब हम जैसा चाह रहे थे, हम सोच ही रहे थे कि हमारा 2v4 फाइट होगा, अच्छा होगा अगर हुआ तो, मज़ेदार फाइट हो, तो उसी समय ये 2v4 होता है, मतलब देखो बस आप कमेंट में बताना कैसा होता है। यहाँ हम बात ही कर रहे होते हैं कि लेट के स्प्रे आएगा तभी स्प्रे आता है, बट हम लोग अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ 4 बंदों का स्क्वाड है, तो एक बंदा दिखा बस ऐसे, यहाँ एक बंदा पुश करता है उस वजह से हम लोग थोड़ा श्योर होते हैं कि ये 2v4 है, क्योंकि इतना अंधा पुश वही करते हैं जिनको पता है कि उनके पीछे बैकअप है, बट ऐसे ब्रो अगर आप सामने वाले को नहीं जानते हो कैसा प्लेयर है क्या है, ऐसे अंधाधुंध पुश नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। नाको करो रे बाबा, क्योंकि देखो कैसे सीडी हम लेके गए यहाँ देखो मैंने स्मोक किया उसको ब्लॉक किया, मैं देखना वहाँ पे ये मार्क लगाया, क्यों लगाया, मैं वहाँ पे जाके नेड करने वाला था, मुझे पता है वहाँ पे बंदा है इसलिए मैं वहाँ नेड करने गया था। यहाँ पे मैं आपको एक सुनाऊंगा मेरे बंदे ने क्या कहा, सुना उन्होंने बोला सही नीड किया तुमने, वो बेनिफिट मिला कि नहीं, वो मार करके वहाँ पे मैं गया वहाँ पे नीड किया वो सही था कि नहीं था, यहाँ पे मेरे पास स्मोक नहीं था इसलिए मैं ऐसे रिवाइव दे रहा हूँ, मुझे ऐसे रिवाइव नहीं देना होता है क्योंकि भाई सामने से लेफ्ट कोई भी आएगा और आपको मार देगा, यहाँ पे बंदे लेफ्ट आते हैं इसलिए मैं लेट जाता हूँ और डीपी निकाल ही लेता हूँ स्प्रे देने के लिए, मुझे फिक्स पता है कोई ना तो कोई लेफ्ट आएगा ही आएगा क्योंकि इतना एडवांटेज मिल रहा ब्रो उन पे, फिर जोन बना और फिर वो मतलब हम लोग जोन के बाहर है हमारा बंदा नॉक है, बट स्टिल हम लोग अब एक बंदा नॉक हुआ, अब हमें पुश के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इससे बेटर ऑप्शन नहीं है क्योंकि फिर अगर और वेट करते ना तो फिर देर हो जाती भाई साहब, बता रहा हूँ इस बंदे को अभी हेड पड़ा, ये बंदा भी पीछे ही जाएगा, अब देखना यहाँ पे जो क्लच होता है जो डैमेज पड़ता है मेरे को, बाबा जी मेरे को लगता है लास्ट बंदा मेरे को मारेगा, देखना बस ये बंदा मुझे मार देता, बट ये क्या क्या ये सिर्फ लेफ्ट गया, मैं जिगल दिया इस वजह से ये फाइट मैं जीता था, अदरवाइज मैं गया हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन यू नो द ड्रिल्स ब्रो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, तो ढेर सारा प्यार दो और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय ब्रो।